हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट का आज हम सेकेंड वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले आप हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखें जिसमें आप पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एनामॉर्फस सॉलिड, और आज पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर ऑफ फोर टाइप्स: आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइटम, मॉलिक्यूल और आयन। कि जिस भी चीज़ों से, जिस भी सब्सटेंसेस से ये सॉलिड बने हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसके बिना पर हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला देखेंगे हम आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक सॉलिड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयन से मिलकर बने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स नेबरिंग पार्टिकल्स, जो आसपास के पार्टिकल्स हैं वो आयन्स, मतलब चार्ज आयन्स होना चाहिए, मतलब कैटायन एंड एनायन, और उनका का जो साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। अब देखो, कैटायन जो है, कैटायन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन्स फ्रॉम द आयनिक सॉलिड। जो अपोजिटली चार्ज आयन है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सॉल्ट तैयार हो रहा है, जो सॉलिड तैयार हो रहा है, उसे हम कहेंगे आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड, यहाँ पर आप उसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na कैरी पॉजिटिव चार्ज, Cl कैरी नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। उसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ये होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो सॉलिड्स होते हैं हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो हार्ड है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। ब्रिटल है लेकिन वो जल्दी से टूट जाते हैं। जैसे कि आपने NaCl का अगर आप क्रिस्टल लैटिस लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं या चौक का टुकड़ा लेते हैं, तो दबाने में हमको वो हार्ड लगता है, लेकिन जैसे ही हम ऊपर से नीचे उसको छोड़ देते हैं या फिर ऊपर से हम प्रेस करते हैं, तो वो जो क्रिस्टल है वो टूट जाता है, तो वो ब्रिटल नेचर का कहलाएगा। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ये आयनिक सॉलिड का ज़्यादा होगा। ठीक है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब आपको ये सॉलिड स्टेट दिख रहा है, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो आयन्स हैं, वो एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे हैं टाइटली, लेकिन जब इसको आप पानी में डाल देते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और आयन्स को सेपरेट कर देगा, मतलब Na पॉजिटिव आयन्स अलग हो जाएंगे और Cl नेगेटिव आयन्स अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब इसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। NaCl का फ्यूज्ड आप सोल्यूशन लेंगे या फिर एक्वियस सोल्यूशन लेंगे, तो ये जो चार्जेस है वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने की वजह से इसमें से कंडक्टिविटी जो है वो पास हो जाएगी। तो इन सॉलिड स्टेट, अगर ये सॉलिड स्टेट में है, बंधा हुआ है, तो यहाँ पर फ्री आयन्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही ये मेल्ट हो जाए या वाटर में डिसॉल्व हो जाए, तो फ्री आयन्स आर अवेलेबल एंड एट दैट टाइम दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके एग्जाम्पल में आएगा NaCl है एग्जाम्पल, KCl, CaF2, ऑल जो सॉल्ट्स हैं, जितने भी सॉल्ट्स आते हैं वो आयनिक सॉलिड्स कहलाएंगे।
सेकेंड है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास में आइटम्स हैं वो है नॉन मेटेलिक आइटम। देखो आयनिक में थे, आयनिक मतलब आयंस, कैटायंस और एनायंस, यहाँ पर है नॉन मेटेलिक आइटम। इन अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम्स लिंक टू द एडजेसेंट आइटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जो नेम पर सी है कि कोवेलेंट, कोवेलेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि आइटम्स जो हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड कर रखे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही नॉन मेटेलिक आइटम एक दूसरे से ज्वाइन है, और इतने ज्वाइन मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो इतनी लार्ज होती है कि जिसके रिजल्ट में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक्सटेंशन इन थ्री डायमेंशन टू फॉर्म अ गैंट साइज मॉलिक्यूल। बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सर्कल, ये जो आइटम्स हैं ये कार्बन के हैं, ये पूरे क्या हैं, ये कार्बन के हैं, और कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग, और पूरे क्रिस्टल में यहाँ पर कार्बन की कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और ये थ्री डायमेंशनल में कहीं से भी ये जो एक्सटेंड होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है थ्री डायमेंशनल, और एक बड़ा साइज का गैंट साइज मॉलिक्यूल, बड़ा सा मॉलिक्यूल यहाँ पर तैयार कर रहा है। दिस इज़ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको दिस इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम इसे कहेंगे नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए कोवेलेंट सॉलिड, और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए नेटवर्क सॉलिड। कि जनरली ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जनरली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दे आर वेरी हार्ड, और हार्ड होने की वजह से ये रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब कठोर हो जाते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, कठोर है, रिजिड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी एक्सट्रीमली हाई रहेगा। जैसे कि अगर हम डायमंड ही ले लें तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मतलब एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर डायमंड की एग्जाम्पल है, क्वार्ट्स की एग्जाम्पल है, सिलिका ऑक्साइड की एग्जाम्पल है, बोरॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, तो ये हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेक्स्ट सॉलिड का टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनना चाहिए, तो मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक हो या फिर पॉलीएटॉमिक हो। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब कि सिंगल आइटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल, उसे हम कहेंगे मोनोएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक अलग अलग आइटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल, उसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो मोनोएटॉमिक मतलब जैसे ये हो गया मोनोएटॉमिक, मतलब एक ही टाइप के आइटम है, तो ये हो गया मोनोएटॉमिक। यहाँ पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है और फोर हाइड्रोजन है, अलग अलग आइटम्स है उनसे मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स को कह रहे हैं हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस। लेकिन सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, सेम सब्सटेंस में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहना चाहिए, और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं लेकिन जनरली वीक होते हैं, लाइक वीक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन फोर्सेस के से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अगर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन देखना है तो HCl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो डायपोल डायपोल, लेकिन कैसा है, वीक डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको
कि कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नियरली सेम है और किसी के पास में भी जो चार्जेस हैं वो नहीं है, ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड को तैयार कर रहे हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है कि जो वाटर है HOH, उसी तरीके से HOH ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग्स रहती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट रहती है, तो ये कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, जिनके सब जो क्रिस्टल है मतलब जो सॉलिड है उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स के होना चाहिए, मोनो एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक। लास्ट टाइप इज मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड मतलब ये होता है कि मेटल से मिलकर बनने वाले सॉलिड है ना, तो मेटल्स में जो सेम टाइप के मेटालिक आइटम्स प्रेजेंट होना चाहिए, कि अगर हम यहाँ पर सपोज ये क्रिस्टल ले लिए हमने कॉपर का, तो सारे के सारे जो हमारे पास में आइटम्स हैं जो मेटल हैं वो मेटल के ही होना चाहिए। तो मेटालिक सॉलिड्स आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, फॉर्म बाय आइटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट, तो जितने भी आइटम्स हैं वो सेम मेटालिक एलिमेंट्स के रहना चाहिए, और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कि आपको पता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आइटम्स हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहे हैं कि सेम मेटलिक आइटम्स है जो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, और इसके आसपास में आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव करते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, इनका मूवमेंट होता है, और इसी की वजह से कंडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो सप्लाई होती है। तो मेटल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब मूव होते हैं ऑल ओवर द क्रिस्टल, फ्री इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइज्ड हो रहे हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, और इसे कहा जाता है सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा कहा जाता है कि जितना समंदर में पानी है उतना है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। तो मेटालिक सॉलिड आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय द आइटम्स ऑफ द सेम मेटालिक एलिमेंट, इन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज ओवर द इंटायर क्रिस्टल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पूरे डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं, मूव होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये है मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो अब आपको ये पता है मैलिएबल मतलब होता है कि जो जिसको हैमर करके हम शीट फॉर्म कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मैलिएबल, और जिससे हम वायर तैयार कर सकते हैं उसे हम कहते हैं उस प्रॉपर्टी को डक्टाइल। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो आप मेटल की कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, सिल्वर, गोल्ड, AU, गोल्ड, सिल्वर, AG, तो जितने भी मेटल्स रहते हैं वो कहलाएंगे मेटालिक सॉलिड। तो इस तरीके से हमने आज देखे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर ऑफ 4 टाइप, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेल एंड क्रिस्टल